All right, we'll be discussing the current affairs of June month. Okay, so first current is World Food Prize, जो कि दिया गया लॉरेंस हदाद और डेविड नवारो को. और लॉरेंस हदाद जो है, ही बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, वेयर एज डॉक्टर डेविड नवारो, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज जो संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, वो दिया गया डॉक्टर ए एस किरण कुमार, जो साइंटिस्ट हैं, एंड कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल प्राइज मिल चुका है. सो एक करोड़ रुपए का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है, संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. नाउ नेक्स्ट थिंग इज चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है हमारे, केवी चौधरी, ठीक है. और हाल ही में अभी अपॉइंटमेंट हुई है विजिलेंस कमिश्नर की, जो शरद कुमार और टीएम भसीन जो हैं, ठीक है. शरद कुमार जी की अपॉइंटमेंट हुई है. तो दो विजिलेंस कमिश्नर हैं, द हाईएस्ट जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं उनका नाम है केवी चौधरी. आगे एमएमआर जो है, मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो जो है, दैट इज 130 दिस ईयर जो है, वो 130 रही है. सो 22% की डिक्रीज आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है. मीन्स इस मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो, मैटरनल मैटरनिटी रेशियो, मैटरनल मॉर्टलिटी है कि कितने चाइल्ड बर्थ ले रहे हैं, मीन्स एक कितनी डेथ्स हो रही हैं 1 लाख लाइव बर्थ्स पे, कि अगर 1 लाख बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो कितनी माओं की डेथ हो रही है, दैट इज मैटरनल मॉर्टलिटी रेशियो. सो इंडिया जो है 130 नंबर पे है, ठीक है. इंडिया में भी सबसे फर्स्ट जो है, जिसमें बहुत कम होती हैं ये चीज़ें, केरला एंड देन महाराष्ट्र देन तमिलनाडु. सो इंडिया ने काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की है इस चीज़ में. सो नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ सेचल्स, जिनका नाम है डैनी फोर्ड, जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था. आपको शायद पता होगा कि अजम्पशन आइलैंड जो है, वो फर्स्ट ओवरसीज आइलैंड जो है, वो बना है इन सेचल्स. ओके, सेचल्स. सो डैनी फोर्ड जो है, वो वहाँ के सेचल्स के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं. और ये जब इंडिया आए थे तो 6 एग्रीमेंट्स करके गए हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एट्सेट्रा. ओके, एंड अभी जो यूएसए है, उसने इंडिया पे हैवी टैक्सेस बर्डन डाल दिया था. मींस स्टील पे 25% लगा दिए थे एंड एल्यूमिनियम पे 10% लगा दिए थे, जिससे इंडिया का इम्पोर्ट जो है वो, इंडिया में इम्पोर्ट जो है वो, तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी हाइक्स लगा दिए थे यूएसए के द्वारा इंडिया पे, जो कि जिसने इंडिया के जो ट्रेड पे काफ़ी इफेक्ट डाला. मीन्स 198 मिलियन समथिंग जो है वो स्टील पे इफेक्ट पड़ा 25% के इंक्रीज से. शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, SCO, उनकी जो समिट है इस बार, वो किंगडाओ में हुई 2018 में. अभी इस वर्ड्स हैं, ठीक है. 6 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया ने और पाकिस्तान ने 2018 में ही ज्वाइन किया है परमानेंट मेंबर्स में. तो मींस पहले 6 मेंबर्स थे, 2001 में ये इस्टेब्लिश हुई थी शंघाई, ठीक है, शंघाई कॉपरेशन. अभी 2018 में इंडियन पाकिस्तान हैज एंटर्ड इनटू इट. सो इसके मेंबर्स कंट्रीज देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं. वो हैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज आ गई है. बाकी कजाकिस्तान, उज़बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, स्तान वाली, ये 5 कंट्रीज हैं. इंडिया, रशिया एंड चाइना बिगेस्ट कंट्रीज हैं, लार्जेस्ट इकोनॉमीज. ओके, सो इंडिया, पाक, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान. तो आपने मुझे ये बताना कि SCO का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है. इस्टेब्लिश तो ये 2001 में हुआ था, तब 6 मेंबर्स थे. 18 में इंडिया पाकिस्तान ने इसमें एंटर कर दिया, ठीक है. तो इसमें क्या डिस्कशन किया गया, मोदी जी के द्वारा एक वर्ड दिया गया, एक जो पूरी टर्म दी गई, दैट इज सिक्योर. सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी. एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड सी स्टैंड फॉर कनेक्टिविटी, यू स्टैंड फॉर यूनिटी एंड सॉवरेनिटी, R stands for respect and E stands for environment protection. So secure जो है वो आपने याद रखना है. आगे हम देखते हैं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है. जस्ट बी वेरी अटेंटिव टू दिस. सो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है, इंडिया इज ऑन 136th पोजिशन, और सबसे पहले आता है आइसलैंड. तो अपने आइसलैंड को ऐसे याद रखना है कि बर्फ जो है वो ठंडा होता है, तो मीन्स ये काफ़ी शांत है आइसलैंड. ओके, सो आई हैव रिमेम्बर्ड थ्रू दिस ट्रिक. और बाकी आप ट्रिक्स को भी शेयर भी कर सकते हैं कमेंट्स में, अगर आपको बेटर ट्रिक्स अगर मिलती हैं तो. आगे आप पिक जो है वो अहमदाबाद जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक डिस्टेंस प्लैनेट प्लैनेट सिस्टम जो है वो डिस्कवर किया है, जिसका नाम रखा गया है एपिक.
ओके, तो ये अहमदाबाद ने किया है, सो डू रिमेम्बर दिस ऑल्सो। बाकी हमने अग्नि 5 जो है वो उड़ीसा, जिसको कलाम आइलैंड भी कहते हैं, व्हीलर आइलैंड जिसे कहते हैं, अग्नि 5 लॉन्च की है। कौन करता है मिसाइल्स वगैरह को लॉन्च? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपने मुझे DRDO के हेड बताने हैं, उनके नाम कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड हेड क्वार्टर्स बताना है SCO का। सेकेंड क्वेश्चन आपके, ये 2 क्वेश्चन हैं आपके पास। सो ये लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है, सबसे पहले याद रखना है कि ये लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। तो SI में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सी शॉर्ट रेंज है, कौन सी लॉन्ग रेंज है, और अलाइड में भी स्टेटमेंट एंड अजर्शन के थ्रू ये पूछे जाते हैं। सो इसकी जो रेंज है, महारक जो क्षमता है इसकी, वो है 5,000+ किलोमीटर्स। ओके, मीन्स 5,000 या 5,000 से ज़्यादा। बाकी उरुग्वे जो है वो फर्स्ट बना था, मैरुआना जिसको बोलते हैं, भांग जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वैसे ये ड्रग है, साइकोट्रॉपिक ड्रग है। तो उरुग्वे ने लीगलाइज किया था इसको फर्स्ट टाइम, एंड 2013 में, एंड 2018 में कनाडा जो है इसको लीगलाइज करने वाली सेकेंड कंट्री बन गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जून्स करंट अफेयर्स। सो आपने मुझे ये बताना है कि SCO का हेड क्वार्टर कहाँ है, शंघाई कॉपरेशन का, ठीक है, और ये अभी किंग में हुई 2018 में, एंड DRDO के हैं, और इसके जो DRDO जो है उसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है, ये बताना है आपने। सो दीज आर योर क्वेश्चंस, प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और इससे ज़्यादा भी अगर नॉलेज कुछ शेयर करना है, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।